श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे धर्म ग्रंथों में वर्णित 9 रहस्यमय मनियां जो आप शायद नहीं जानते होंगे। वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में कई तरह की चमत्कारिक मनियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं में सर्प के सिर से मणि के होने का भी उल्लेख मिलता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी वह अपने आप में एक रहस्य होता था। जिसके पास मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। आपको ज्ञात होगा कि अश्वत्थामा के पास मणि थी जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मणि होती है। मणि से संबंधित कई कहानी और कथाएं समाज में प्रचलित है। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे हुए हैं। मणियों को सामान्य हीरे से कहीं ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। जैनियों ने मणिब्रद नाम से एक पुरुष हुए। ऐसा माना जाता है कि चिंता मणि को स्वयं ब्रह्मा जी धारण करते हैं। रुद्र मणि का भगवान शिव धारण करते हैं, भगवान शंकर धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। इसी तरह और भी कई मणियां हैं जिनके चमत्कारों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। हम आपको बताएंगे 9 मणियों के बारे में। पारस मणि। पारस मणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में बहुत मिलता है। इसके हजारों किस्से हैं और कहानियां समाज में प्रचलित हैं। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि हमने पारस मणि को देखा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहां हीरा का खदान है, वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारस मणि है। पारस मणि की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत के कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग आज भी जो नाम होता है वो अपना नाम पारस रखते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और हम लोग आते हैं सबसे पहले पारस मणि के ऊपर। पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से वह सोने की बन जाती है। इसे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते हैं कि कौओं को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के आसपास ही पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारस मणि को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि कैसे कौओं को ढूंढने के लिए मजबूर किया जाए। फिर नीलमणि। नीलमणि एक रहस्यमय मणि है। असली नीलमणि जिसके पास भी होती है उसे जीवन में भूमि, भवन, वाहन और राजपद का सुख होता है। इसे नीलम भी कहा जाता है, लेकिन शनि का रत्न नीलम और नीलमणि में फर्क है। संस्कृत में नीलम को इंद्रनील, त्रिशाग्रही, नीलमणि भी कहा जाता है। असली नीलमणि या नीलम से नीली या बैंगनी रोशनी निकलती है जो दूर तक फैल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नीलम 888 कैरेट का श्रीलंका में है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपए आंकी गई है। अभी नीलम के दो प्रकार हैं, एक जल नील और एक इंद्रनील। भारत में नीलमणि पर्वत भी है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नीलम पाया जाता है। कश्मीर में पहले नागवंशियों का राज था। नीलम विशुद्ध रंग मोर की गर्दन का रंग होता है। कहते हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में असली नीलमणि रखी हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि नीलम का लाभ होता है या नहीं, ये दावे से नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद है नागमणि। नागमणि को हम लोग प्रणाम करते हैं और उनका नाम लेने से पहले माफी मांगी जाती है, क्योंकि नागमणि का नाम कभी लेना नहीं चाहिए। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित है। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उस रोशनी के आसपास इकट्ठा हो गए कीड़े मकोड़ों को खाता रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण है। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था।
छत्तीसगढ़ी साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नाग कन्या की कथाएं मिलती हैं। मनुज नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की यह विशेषता है कि जल उसे मार्ग देता है। इसके बाद साहसी अनुज महल में प्रस्थिर होकर नाग को परास्त कर नाग कन्या प्राप्त करता है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि जिसके पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती हैं। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता अनुसार नागमणि जिसके पास भी होता है उसमें भी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं और वो आदमी भी दौलतमंद हो जाता है। मणि का होना उसी तरह है जिस तरह की अलादीन का चिराग होना। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, पर आज हिंदुस्तान के बहुत लोग इसका व्यापार करने निकलते हैं। सारी डुप्लीकेट चीजें बनाई जाती हैं और लोग इसके पीछे भागते हैं। फिर है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार यह मणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान रत्नों में से एक थी। यह बहुत ही कांतिमान मणि है। यह मणि जहां भी होती है वहां किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। यह मणि आपको हर संकट से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। फिर चंद्रकांता मणि। भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर उसका उपरत्न ही मिलता है। इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इससे वैवाहिक जीवन भी सुख में व्यतीत होता है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न पारदर्शी जल की तरह साफ सुथरा होता है। यह चंद्रमा से संबंधित रत्न होता है। माना जाता है कि असली चंद्रकांता मणि जिसके पास भी होती है उसका जीवन किसी चमत्कार की तरह पलट जाता है। कहने का मतलब उसका भाग्य अचानक बदल जाता है। इस मणि की तरह ही उसका जीवन भी चमकने लगता है। उसकी हर इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। कहते हैं कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में चंद्रकांता मणि है। धनकुबेर की राजधानी अलकापुरी से राक्षस राज रावण द्वारा यहां पर यह मणि जड़ित की गई थी। सुश्रुत संहिता में चंद्र किरणों का उपचार के रूप में उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख है अद्भुत चंद्रकांत मणि का उल्लेख। इस मणि की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इसे चंद्र किरणों की उपस्थिति में रखने पर इससे जल टपकने लगता है। इस जल में कई अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। चंद्रकांत मणि से उत्पन्न जल कीटाणुओं को नाश करने वाला है। शीतल, आहारदायक, ज्वरनाशक, दाह और विष को शांत करने वाला होता है। फिर है सैमंतक मणि। सैमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही सैमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार सैमंतक मणि नाम से ही प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा और यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा। फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अभी हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ हमारा हीरा है, हमारे हिंदुस्तान का हीरा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही सैमंतक मणि है यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध लड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्रजीत के पास था और उन्होंने मणि भगवान सूर्यदेव ने दी थी, उनको दिया था सूर्यदेव ने। सत्रजीत ने मणि अपनी देवघर में रखी हुई थी। वहां से वो मणि पहनकर उनके भाई प्रसन्नजीत आखेट के लिए चले गए। जंगल में उन्हें उनके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्रजीत ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने मणि चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दे दी
और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह करें। जामवती कृष्ण के संयोग से महाप्राप्ति पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम साम रखा गया था। इस साम के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी या सेमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वो मणि अक्रूर जी को दे दी थी। उन्होंने कहा कि अक्रूर इसे तुम अपने पास रख लो, तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास ही रहने से दिव्य मणि की शोभा बढ़ेगी। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक होते थे। फिर अस्फटिक मणि। अस्फटिक मणि सफेद रंग की चमकदार होती है और यह आसानी से मिल जाती है, फिर भी इसके असली होने की जांच कर लेनी चाहिए। अस्फटिक मणि की अंगूठी भी होती है। अधिकतर लोग अस्फटिक की माला धारण करते हैं। हालांकि स्फटिक को धारण करने के अपने कुछ खास नियम होते हैं, अन्यथा यह नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। इसको धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, धन, संपत्ति, रूप, बल, वीर, यश, तेज और बुद्धि की प्राप्ति होती है, तथा इसकी माला पर किसी मंत्र को जप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। अस्फटिक मणि के कई चमत्कारों का वर्णन ज्योतिषियों के ग्रंथ में मिलता है। फिर लाजाव्रत मणि। इस मणि का रंग मयूर की गर्दन की भांति नील श्याम वर्ण के स्वर्णिम छींटों से युक्त होता है। यह मणि भी प्राय कमी पाई जाती है। लाजाव्रत मणि को धारण करने से बल, बुद्धि और यश की वृद्धि होती है। माना जाता है कि इसे विधिवत रूप से मंगलवार के दिन धारण करने से भूत, प्रेत, पिशाच, दैत, सर्प आदि का भय नहीं रहता है। फिर है उल्लूक मणि। उल्लूक मणि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मणि उल्लू पक्षी के घोंसलों में पाई जाती है, हालांकि अभी तक इसे किसी ने देखा नहीं है। माना जाता है इसका रंग मटमैला होता है। यज्ञ विदंती है कि किसी अंधे व्यक्ति को यदि घोर अंधकार में ले जाकर दीप प्रज्वलित कर उसकी आंख से इस मणि को लगा दें तो उसे दिखाई देने लगता है। दरअसल यह नेत्र ज्योति बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक होता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।